एक्सरसाइज 3.2 इन दैट क्वेश्चन 1 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड चेंज ऑफ डिमांड और डिमांड के ब्रैकेट में दिया है एक्स इट मीन्स हमें फाइंड करना है डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस और प्राइस को यहाँ पे दिया है वाई तो ये हमें फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी वाई पहले एक्स है इसलिए ऊपर आएगा डी एक्स बाद में वाई है तो नीचे आएगा डी वाई और विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस बताया है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस प्राइस को यहाँ पे क्या बताया है वाई तो हम लिखेंगे जनरली हम सब में क्या लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो हमें फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी वाई उसमें फर्स्ट सम है y इक्वल टू 12 प्लस 10 x प्लस 25 x स्क्वायर बहुत ही सिंपल है ये y y तो यहाँ पे पहले मैं वही लिखूंगा सेम जो हर एक सम में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ ओके तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx 12 क्या है ये कांस्टेंट नंबर है 12 तो 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 12 का डेरिवेटिव 0 प्लस 10x का डेरिवेटिव होगा 10 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 9x का डेरिवेटिव 9 5x का 5 10x का 10 6x का 6 तो 10x का क्या हो जाएगा 10 प्लस 25x स्क्वायर ये 25x स्क्वायर तो ये x स्क्वायर का जो 2 है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा मतलब 25 इंटू 2 50 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x मतलब यहाँ पे एक माइनस होता है डिग्री में तो 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा 1 देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10 प्लस 50x ये हमें क्या मिला dy अपॉन dx लेकिन हमें क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy हमें क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx इसका मतलब मैंने क्या लिखा देखो मुझे क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy तो dx अपॉन dy फाइंड करने के लिए मेरा ये जो आंसर आया dy अपॉन dx उसको मैं क्या कर दूंगा इनवर्स ये हमारा जो आंसर है उसको मैं इनवर्स कर दूंगा dx ऊपर और dy नीचे तो मुझे वही मिलेगा ना dx अपॉन dy इन शॉर्ट हमें क्या करना है dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के बाद ये जो आंसर आया वो आंसर को क्या कर देना है इनवर्स तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस 50x बस हो गया सब इतना ही करना था तो सिंपल क्या करना है यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है जो टर्म्स दिए हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद क्या कर देना है उसका इनवर्स सेकेंड सम y इक्वल टू 18x प्लस log इन ब्रैकेट x माइनस 4 अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x y का हो जाएगा dy अपॉन dx 18x 18x का डेरिवेटिव 18 यहाँ पे जैसे 10x का 10 हो गया था वैसे 18x का 18 प्लस log x ये ब्रैकेट है उसको x अज्यूम करो log x तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x लेकिन यहाँ पे x नहीं यहाँ पे क्या है x माइनस 4 तो 1 अपॉन x फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वो ब्रैकेट और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक्सरसाइज 3.1 में कि अदर देन x आएगा कभी भी कोई इक्वेशन में अदर देन x आ गया तो उसका हमें वापस क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 अदर देन x आ गया x के प्लेस पे कुछ और आ गया तो वापस हमें उसका क्या लेना पड़ेगा डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 4 का डेरिवेटिव 0 x का डेरिवेटिव 1 4 क्या है एक नंबर नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0
वन माइनस जीरो वन, और ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू वन, आंसर क्या आएगा वन। तो 18 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फोर। अभी ये जो एक्स माइनस फोर है इसको मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए, तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू एक्स, 18x माइनस 18 फोर जा, 18 फोर जा कितना हो गया, 18 फोर जा 72 प्लस वन होल अपॉन एक्स माइनस फोर। वापस देखो 18 इंटू एक्स 18x, बीच में माइनस 18 इंटू फोर 72 प्लस वन, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। और अभी लास्ट आंसर, लास्ट आंसर यहां पे आएगा 18x माइनस 72 प्लस वन 71 अपॉन एक्स माइनस फोर। ये मुझे क्या मिला, dy अपॉन dx, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dy इक्वल टू वन अपॉन dy अपॉन dx, वन अपॉन dy अपॉन dx, मतलब हमारा आंसर क्या है वो मुझे यहां पे लिखना है, 18x माइनस 71 अपॉन एक्स माइनस 4। और अभी ये फ्रैक्शन को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71। इन शॉर्ट क्या करना था हमें, ये जो हमारा आंसर आया उसको हमें क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया इसको, लेकिन जब हम इनवर्स करेंगे वो भी हमें स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे ना कि हमने किस तरीके से इनवर्स किया, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, dx अपॉन dy इक्वल टू वन अपॉन dy अपॉन dx, फिर वन का वन dy अपॉन dx, मतलब जो हमारा आंसर है वो कॉपी कर लो वहां पे, और फिर ये फ्रैक्शन जो है उसको क्या कर देना है, इनवर्स। थर्ड सम, y इक्वल टू 25x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने अभी जो किया वैसा ही सेम सम है। अगेन मैं फर्स्ट यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 25x का 25 प्लस log एक्स, log एक्स, तो इसका फॉर्मूला वन अपॉन एक्स, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, ये ब्रैकेट, अदर देन एक्स है, एक्स के प्लेस पे कुछ और है, तो वापस इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, 25x, 25x का डेरिवेटिव 25, लॉग एक्स, ये एक्स का लॉग एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, ब्रैकेट, अदर देन एक्स है तो वापस उसका डेरिवेटिव, तो 25 प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट, वन का डेरिवेटिव जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, कैसे, ये जो टू है वो आगे आ जाएगा और डिग्री में से वन माइनस हो जाता है तो टू माइनस वन वन। अभी 25 प्लस जीरो प्लस टू एक्स, टू एक्स, और टू एक्स इंटू वन, टू एक्स इंटू वन टू एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अभी ये 25 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 25 इंटू 1 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 1 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, 2x का 2x और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट, तो ये हमें क्या मिल गया, dy अपॉन dx। अभी dy अपॉन dx के बाद हमारा स्टेप्स क्या रहता है, dx अपॉन dy, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन dy अपॉन dx, dx अपॉन dy का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन dy अपॉन dx, इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे 1 अपॉन 25 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो हमारा आंसर है वही आंसर क्या करना है, कॉपी। एंड लास्ट आंसर
ये फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, इनवर्स, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये जो क्वेश्चन वन है वो बहुत ही इजी है। इसके बाद क्वेश्चन टू में फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई। मार्जिनल डिमांड फाइंड करना है। इक्वेशन दिया है वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। मार्जिनल डिमांड, तो यहाँ पे मार्जिनल डिमांड हमें फाइंड करना है। तो मार्जिनल डिमांड का मतलब यही है कि हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dy। याद रखो, अगर क्वेश्चन में हमें पूछा है मार्जिनल डिमांड, फाइंड मार्जिनल डिमांड, इसका मतलब हमें यही सेम फाइंड करना है dx अपॉन dy, हमें यही सेम फाइंड करना है dx अपॉन dy। तो अगेन सेम है, मतलब जो हमने प्रोसीजर किया पहले के तीन सम में वही सेम तीनों सम हमें करना है। यहाँ पे y फर्स्ट हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स इंटू इंटू ये डॉट है मतलब इंटू, तो कभी भी डॉट है मल्टीप्लीकेशन है दो टर्म्स के बीच में तो याद रखो u इंटू वी। हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा u इंटू वी का। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v, v मतलब e रेस टू माइनस एक्स प्लस v, v मतलब e रेस टू माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब x, ये u इंटू v, बीच में डॉट आ गया इंटू आ गया मतलब u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 7, 7 का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। यहां पे x का x डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू क्या x क्या होता है ई रेस टू एक्स, तो वैसे ही ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन जनरली रेस टू में क्या होता है x होता है e के रेस टू में, ये e, e क्या है एक्सपोनेंशियल साइन एक्सपोनेंशियल, तो ये e के रेस टू में क्या होना चाहिए यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, अदर देन एक्स है, एक्स के प्लेस में कुछ और है, तो वापस इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स ही होगा डेरिवेटिव फॉर्मूला, और एक्स के प्लेस पे कुछ और है तो वापस उसका डेरिवेटिव, आगे प्लस ई रेस टू एक्स तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा, सॉरी ई रेस टू माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा वन। अभी इतना तो लॉजिक तुम लोग भी दिमाग में चलाओ कि जहां पे x है तो x ही रहेगा, e रेस टू माइनस है तो e रेस टू माइनस एक्स ही रहेगा, हमें सबका डेरिवेटिव नहीं करना है, जिसके आगे ये डेरिवेटिव लिखा है, जिसके आगे हमने d अपॉन डी एक्स लिखा है उसका ही डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x लिखा है तो उसका ही हम डेरिवेटिव निकालेंगे वन, ये सबका निकालने मत बैठो फिर, ये तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, और जिसके आगे डेरिवेटिव है इसके आगे और इसके आगे तो उनका ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, प्लस जीरो का तो प्लस जीरो ही रहेगा। अभी यहां पे इक्वल टू ये देखो माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो ये माइनस वन में मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, मतलब आगे मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। वापस देखो एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स ये रहा एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होगा तो वो माइनस वन मैंने आगे ले लिया, ये देखो माइनस, और प्लस का प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वन ई रेस टू माइनस एक्स, तो फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दोनों में मैं e रेस टू माइनस एक्स को कॉमन ले रहा हूं, ये दोनों टर्म्स में e रेस टू माइनस एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो यहां पे मैं पहले ये लिख रहा हूं
ये मैंने कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस में बचेगा वन, बीच में प्लस है तो प्लस, ये मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में माइनस एक्स, तो ये माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है, माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो तो ई रेज टू माइनस एक्स इंटू वन ई रेज टू माइनस एक्स, ये रहा माइनस है तो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स, हमने किस तरीके से कॉमन लिया है वो बराबर समझो, तो ये हमें मिल गया dy अपॉन dx, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy, हमें क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy, तो लास्ट में मैं क्या करूंगा dx अपॉन dy फाइंड करने के लिए 1 अपॉन dy अपॉन dx, इसका मतलब 1 अपॉन e raise to minus x in bracket 1 minus x, बस इसको तो हम इन्वर्स नहीं करेंगे, फ्रैक्शन रहेगा या रेशियो रहेगा तो हम इन्वर्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन था तो उसको मैंने इन्वर्स किया तो फाइनल आंसर आया, लेकिन इसको अभी हम इन्वर्स नहीं कर सकते, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 1 अपॉन e raise to minus x in bracket 1 minus x। अभी हमारा जो फाइनल आंसर आया था वो फाइनल आंसर था 1 अपॉन e raise to minus x in bracket 1 minus x, ये हमारा फाइनल आंसर था। इसके बाद और एक लास्ट स्टेप हो सकता है, लास्ट स्टेप ये होगा कि ये जो e raise to minus x है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो e raise to plus x हो जाएगा, ये e raise to minus x ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा e raise to plus x, minus x का plus x और ब्रैकेट में रहेगा 1 minus x, तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर हो सकता है। ये हमने फर्स्ट सम कर दिया, सेकेंड सम है हमारा y इक्वल टू x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी एक चीज याद रखो, जब भी क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन दिया है, जब भी क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन दिया है इसका मतलब ये है u अपॉन v, फ्रैक्शन डिवाइड, अगर कोई भी फ्रैक्शन है कोई भी टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है तो माइंड में याद रखो कि ये हो जाएगा u अपॉन v, ये कौन सा फॉर्मूला है u अपॉन v, तो पहले फर्स्ट हम यही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, u अपॉन v, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है v, v मतलब ये डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, फॉर्मूला बाय हार्ट करो, फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करोगे तो कुछ समझेगा नहीं डेरिवेटिव्स में, पहले यही चीज करो कि फॉर्मूला बाय हार्ट करो, परफेक्ट बाय हार्ट करो तो सम सॉल्व कर पाओगे तुम लोग। अभी यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होता है 0, कांस्टेंट नंबर, डेरिवेटिव ऑफ 2 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, वो 2 आगे आएगा डिग्री में 1 माइनस हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर v स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा वो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, माइनस ब्रैकेट 2x इंटू x, 2x इंटू x, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस है वो भी माइनस,
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर एक्स में पहले लिख रहा हूं प्लस वन बाद में, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिला dy अपॉन dx। और एक चीज याद रखो, जब भी u अपॉन v करते हो, जब भी u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर लास्ट तक वैसे ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर को कभी भी सॉल्व नहीं करना है। याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है तो वो लास्ट तक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने मत जाओ, ये लास्ट तक ब्रैकेट को ऐसे ही रखना है। तो ये हमें क्या मिला dy अपॉन dx। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है ये क्वेश्चन में, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड। और मार्जिनल डिमांड का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dy इक्वल टू वन अपॉन dy अपॉन dx, दैट इज वन अपॉन, ये हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे इनवर्स, मतलब फाइनल आंसर हमारा आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया सेकेंड सम। और थर्ड सम जो है, थर्ड सम में भी क्वेश्चन में दिया है वाई इक्वल टू कोई तो फ्रैक्शन है, थर्ड सम जो है उसमें भी कोई फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन दिया है इसका मतलब अगेन हमें क्या करना है यू अपॉन वी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यू अपॉन वी को सॉल्व किया है उसी तरीके से तुम लोग थर्ड सम खुद से ट्राई करो और ये सॉल्व करो थर्ड सम।